राधिशा ने दी अभिरा को सजा और वहीं एक तरफ अरमान देगा अभिरा की साथ। जी हाँ दोस्तों, वेल दोस्तों आने वाला एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता का बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ट्विस्ट वाला देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अरमान, रोहित और अभिरा तीनों जने खाना बना रहे होते हैं फैमिली मेंबर के लिए। और वहीं आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान चाहता है कि अभिरा और रोहित में फाइट क्रिएट ना हो, यानी कि इन दोनों में फाइट दोबारा से ना हो, ये दोनों शांति रहे। लेकिन आपको पता होगा कि फैमिली में पहले से ही एक फाइट चल रही है जिनका नाम है देवरानी और जेठानी। मनीषा एंड दिव्या में पहले से ही फाइट चल रही है और इसलिए चाहता है अरमान कि इन दोनों में फाइट ना हो। और अभिरा के माइंड में एक प्लान आता है, इन दोनों के फाइट को शांत करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभिरा एक के माइंड में प्लान आता है और वो प्लान ये होता है कि वो रूही के खीर में नींबू डाल देती है। और ये बात पता चल जाता है दादी शाह को और साथ ही साथ देवरानी जेठानी को भी पता चल जाता है, यानी कि मनीषा एंड दिव्या को भी पता चल जाता है। और ये दोनों जाते हैं किचन में और किचन में सम्मानने लग जाते हैं चीजों को और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। जी हाँ, और ये सब देख कर सारे जने खुश हो जाते हैं, खासकर दादी शाह। जी हाँ, दादी शाह और अरमान दोनों जने खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ अरमान को पता चल जाता है कि ये चीज अभिरा ने जानबूझ के की है ताकि ये दोनों एक साथ हो जाए। और अरमान अभिरा से पूछता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना, तो अभिरा बोलती है कि नहीं, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है और इनके लिए तो मैं कभी भी नहीं करने वाली हूँ, लाइक इनकी बातों को इग्नोर मार देती है। जी हाँ, और फाइनली बात आती है अब ट्रॉफी की, यानी कि दादी माँ को सभी का खाना बहुत ही पसंद आया था और दादी माँ सभी को ट्रॉफी देती है। दादी माँ पहले ट्रॉफी देती है देवरानी और जेठानी को और दूसरा ट्रॉफी देती है रूही को और तीसरा देती है अरमान को। और वहीं एक तरफ अभिरा चाहती है कि मुझे भी ट्रॉफी मिले क्योंकि इन चीजों में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो फाइनली इनको ट्रॉफी नहीं मिलता बल्कि इनको सजा मिलता है। दादी शाह कहती है कि तुमने इनके खीर में मिलावट की थी जिस वजह से मैं तुम्हें ट्रॉफी नहीं देने वाली बल्कि तुम्हें सजा देने वाली हूँ। तो वहीं अरमान वहाँ पे होता है और अरमान साथ दे रहा होता है और बोलता है कि ये चीज इन्होंने इसलिए की ताकि मम्मी और चाची की बातचीत हो सके और ये दोनों फिर से एक हो सके। वेल दोस्तों देखने ये हुआ कि दादी शाह क्या करती है। वेल वैसे आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन जो करना कमेंट सेक्शन में और आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप अपना ओपिनियन जो करना कमेंट सेक्शन में। सो हम लिखने और इतने अपडेट्स के साथ बाय।